अस्पताल में, महिला अस्पताल में, और हम बड़े परेशान हैं। हमारे 5 बच्चा तो खत्म हो गए। अब जो डिलीवरी है इसमें कुछ समस्या है पैसों की, तो हमारे बेटा को फोन किया बहू ने कि 5,000 रुपए दे दें, तो उन्हें कि हाँ सही है, अब परेशान है, दे दो, दे देगा कल उलमें। वो पैसे निकाल के दिए और वही, अच्छा तो भैया तुम परेशान हो तो तुम आराम से बैठो, हम चाय बनाते हैं, तुम चाय बनाई रख। यूपी के बदायूं में बीते मंगलवार देर शाम हुई डबल मर्डर मिस्ट्री के मामले ने पूरे देश और प्रदेश को दहला कर रख दिया है। यहां साजिश और जावेद नाम के दो आरोपियों ने 3 नाबालिग सगे भाइयों पर उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में 2 मासूमों की मौत हो गई जबकि 1 घायल है। इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने साजिद उर्फ नावेद का एनकाउंटर कर दिया है, वहीं दूसरा आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। हत्याकांड के विरोध में देर रात तक पूरे क्षेत्र में तनाव, तोड़फोड़ और आगजनी बनी रही। हालांकि पुलिस ने मौके पर आकर स्थिति को संभाला। बच्चों के पिता ने इस मामले में जो FIR दर्ज लिखवाई है उससे इन दोनों आरोपियों के अंदर बैठे दरिंदे और इनके कोल्ड ब्लड मर्डर का पूरा सबूत मिलता है। जब ये खबर देश में फैली हर किसी का दिल दहल गया। मृतक बच्चों के पिता विनोद ठाकुर की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया गया कि बीते मंगलवार शाम को हेयर ड्रेसर साजिद और उसका भाई जावेद उनके घर आए थे। साजिद ने विनोद की पत्नी संगीता से 5,000 रुपए मांगे। उसने बताया कि पत्नी की डिलीवरी के लिए रुपयों की जरूरत है। इसके बाद वो आयुष और आहान को लेकर छत पर गया, जहाँ चाकू से गला रेत कर दोनों बच्चों की हत्या कर दी। दोनों बालकों की गर्दन छुरी से काटी, उस तरह से सीने और पेट में भी ताबड़तोड़ प्रहार किए। वो छत पर बेटों का खून बहाता रहा। इससे अनजान माँ सुनीता पड़ोसी के सत्कार में चाय बना रही थी। इसी दौरान जब विनोद की पत्नी संगीता अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि साजिद और जावेद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हाथ में खून से सनी हुई छुरी थी, मुंह पर खून और लोथड़े लगे हुए थे। उन्होंने संगीता को देखते हुए कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये देखकर संगीता घबरा कर चिल्लाई तो मोहल्ले के लोग जुट गए। लोगों ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो जावेद भाग गया लेकिन साजिद पकड़ा गया। फिर संगीता ऊपर गई तो दोनों लड़के खून से लथपथ मिले, उनकी मौत हो चुकी थी। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि आरोपी साजिद के 2 नवजात बच्चों की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, अब फिर से उनकी पत्नी का प्रसव होना है। चर्चा रही कि तीसरा बच्चा जीवित बना रहे इसलिए साजिद ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उसी अंधविश्वास में विनोद के बेटों की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस इस जानकारी से इनकार कर रही है और हत्या के कारण की जांच कर रही है। पुलिस आरोपी के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस माइंड सेट से हत्यारों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। ऐसे केस हमारे समाज और इंसानियत पर कलंक और प्रश्न चिन्ह दोनों लगाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी और भी खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज़।